पेरिस ओलंपिक में कई खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ आश्चर्यजनक घटनाएं भी घट रही हैं। बात पहलवान विनेश फोगाट की जाए तो उन्हें केवल 100 ग्राम वजन के कारण ओलंपिक से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो वहीं पहलवान अमन शहरावत ने एक ही रात में लगभग 4.5 किलो वजन कम कर पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम भार में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस खबर में हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिरकार एक पहलवान इतने कम समय में अपना वजन कैसे कम और बढ़ा सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं ब्रदर्स सिटीजन सिंडिकेट में अपना जिम चलाता हूँ और अपने 8 साल से करियर से अपना बॉडी बिल्डिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके लिए सब पॉसिबल है, क्योंकि वो जो अपनी बॉडी को जिस हिसाब से मेंटेन करके चलता है वो जानता है उसे कब अप एंड डाउन पर उसकी बॉडी को कभी भी ले जाना पड़ सकता है, इसलिए वो अपनी बॉडी के हिसाब में ये चीजें पॉसिबल कर सकता है। क्या लगता है कि 4 किलो वजन एक बहुत ज्यादा भार हो गया, तो एक आप एज एक्सपर्ट क्या बताएंगे कि कैसे क्या तरीका हो सकता है जिनसे वजन कम कर सकते हैं? वजन कम वहां होता है जहां वजन ओवर होता है मेन, तो लेकिन अगर कंडीशन आ जाती है वेट लॉस करना ही है और इमीडिएटली और बिल्कुल पर जब हम वेट लॉस की कंडीशन में जाएं और हमारा वेट लॉस करने की कंडीशन नहीं है, तो फिर हमारा जो वेट लॉस होता है वो वाटर इनटेक और मसल लॉस के बाद होता है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल वेट है बॉडी का 60-70 किलो, तो मैं उस बॉडी वेट को मानता हूँ, उसमें वाटर वेट काफ़ी अच्छा होता है, मसल मास भी होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा वेट लॉस ले जाते हैं तो हमारा वाटर लॉस और मसल लॉस होता है, तो इनडायरेक्टली वो हमारा बॉडी का हार्मफुल लॉस ही होता है। क्या लगता है कि क्या वो एक्सरसाइज रहे होंगे, क्या वो चीज रही होंगी? इसमें एक्सरसाइज का रोल नहीं है, डाइट का रोल होता है। रात को जब 24 घंटे के अंदर हम वेट कम कर रहे हैं तो वो कई 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं बनाई है जो वेट लॉस करेगी। वेट लॉस करती है हमारी फास्टिंग, हमारी डाइटिंग। जिस फास्टिंग पर हम रहते हैं वो फास्टिंग हमारी 24 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर हमारा वेट को तुरंत प्लस से माइनस मिल जाती है। और अपनी बॉडी में से जितना भी एक्स्ट्रा वेट था वो फास्टिंग के थ्रू लॉस कर दिया। ऐसे लॉस करने का मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ एक एथलीट के ही, एक एक्सपर्ट ट्रेनर, एक एक्सपर्ट एथलीट ही कर सकता है, अदरवाइज किसी के लिए भी करना हार्मफुल रहेगा, क्योंकि फास्टिंग करना और ईटिंग करना ये हमारे लिए कभी भी फायदेमंद एकदम से नहीं होता। इसको हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर।